आज का जमाना टेक्नोलॉजी का है और इस टेक्नोलॉजी ने हमें दिया है एआई, जो हमारे इशारों पर आज के समय में नाच रहा है। इस एआई के काफी सारे फायदे हैं तो वही इसके काफी सारे नुकसान भी है। आजकल रील्स पर हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की एआई जनरेटर वॉइस में काफी सारे गाने वायरल हो रहे हैं। इतने ही नहीं, काफी सारे विदेशी सिंगर्स की एआई वॉइस के साथ इंडियन गाने भी क्रिएट किए जा रहे हैं, जो सिंगर्स के करियर के लिए तो काफी बुरा है ही। इतना ही नहीं, ये एआई सिर्फ डिस्क्रिप्शन डालने पर उस फोटो को वीडियो बना देता है और वो फोटो या वीडियो भी ऐसा कि लोगों की खुशी उड़ा दे, और इसलिए ये एआई फिल्म इंडस्ट्री के लिए काफी बड़ी मुसीबत बन चुका है। कैसे? तो जब प्रोजेक्ट के जो अब कल की 2898 एडी बन गया है और उसका जब टाइटल अनाउंसमेंट होने वाला था, तो उसके 2-3 दिनों पहले प्रभास का जो एआई जनरेटर पोस्टर वायरल हो रहा था, जो दिखने में काफी अच्छा भी था, और उसके बाद जब मेकर्स ने ओरिजिनल पोस्टर रिलीज किया तो हम सबकी जो एआई पोस्टर देखकर उम्मीदें बनी थी उस पर पानी फिर गया। अब सोशल मीडिया पर कल का एआई जनरेटेड टीजर बनाकर शेयर किया गया है, जो काफी अच्छा है, और अगर किसी को ये ना पता हो कि ये फैन मेड टीजर है तो वो इसे पक्का ऑफिशियल टीजर ही समझ बैठेगा। और ये बात कल की 2898 एडी के मेकर्स के लिए काफी बड़ी मुसीबत बनने वाली है। कैसे? टीजर देखने के बाद सबकी उम्मीदें इतनी बढ़ गई है कि जब कोई कंसेप्ट आता है और वो इन एक्सेप्टेशन लेवल से थोड़ा भी कम होता है तो फिर उसे काफी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है। इसलिए आजकल के मेकर्स को सोशल मीडिया पर अपनी फिल्म को लेकर क्या चल रहा है और वो उस फिल्म से क्या उम्मीद लगाकर बैठे हैं, इस बात पर पहले पूरी तरह से रिसर्च कर लेनी चाहिए और फिर अपना ऑफिशियल कंसेप्ट रिलीज करना चाहिए, वरना हालात आदि पुरुष जैसे होंगे। और ऐसा ना तो हम फैंस चाहते हैं और ना ही फिल्म के मेकर। साथ ही कल की 2898 एडी की अनाउंसमेंट, उसके ग्लिम्स आने के बाद से ही उसे स्टार वॉर ड्यून के कॉपी कहा जा रहा है, लेकिन शायद हम ये भूल रहे हैं कि ये एक डिस्टोपियन फिल्म है और हर डिस्टोपियन फिल्म का बेसिक कॉन्सेप्ट एक ही होता है। लेकिन कल की को ड्यून और स्टार वॉर से अलग बनाना एक एलिमेंट है फिल्म का मैथोलॉजिकल जोनर, क्योंकि ये फिल्म हमारे पुरानों पर बेस्ड है जिसे साइंस फिक्शन के साथ कंबाइंड कर दिया गया है, जैसे रणबीर कपूर की ब्रह्मास्त्र में किया गया था। लेकिन ब्रह्मास्त्र फ्यूचर पर बेस्ड नहीं थी और अब कल की फ्यूचर पर बेस्ड होने वाली है। अब बस यही उम्मीद करते हैं कि कल की स्टोरी को ज्यादा कॉम्प्लिकेट ना किया जाए। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी फिल्मों से रिलेटेड ऐसी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं मिलूंगा जल्दी किसी अगली वीडियो में। टिल देन बाय।